तो गाइस आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देंगे उस वीडियो का नाम है कांटा लगा टोनी का कर। सब टोनी कक्कर की क्यों इतनी लेते हैं यार, क्या किया उसने? बस हाँ माना कि वो एक जैसे गाने बनाता है, लेकिन अब ऐसा भी ना करो यार, कितनी गलत बात है। मतलब इसके ना लिरिक्स कुछ समझ नहीं आते हैं, बे मतलब लिरिक्स होते, इसलिए मुझे भी नेहा कक्कर टोनी कक्कर ही नेहा कक्कर यार ऐसा अच्छी है, सोनू भी अच्छी है, टोनी भी अच्छा है, लेकिन बस ये है कि सबको ये बुरा लगता है कि वो एक जैसे गाने बना रहा है। मैं मर्जी उसकी, वो एक जैसे बनाए या कुछ भी करे, बट चलते कितना है जो बात है फैंस। तो खैर स्टार्ट करते हैं वीडियो आगे देखने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें। स्टार्ट। आ गया जी, आ गया टोनी कक्कड़ का नया गाना आ गया और उसी के साथ हमारी नई वीडियो भी आ गई। ये तुम सोच रहे होगे ये पीछे नीली नीली पत्ती मैंने क्यों जगाई हुई है। टोनी कक्कड़ के काफी ज्यादा सब गानों में कुछ ज्यादा ही रंग दिखाए जाते हैं, मतलब ज्यादा ही चमकीलापन होता है, इस वजह से मैंने भी कर दिया। नहीं 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 यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मेरी बात की वैसे कोई सेंस नहीं बनी, मैं बंद ही कर देता हूँ। आगे आगे गाना टोनी कक्कड़ का जिसका नाम है कांटा लगा और उसमें मम्मी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी हुई है क्योंकि हर दो लाइनों के बाद नेहा और टोनी ने एक ही चीज बोली हुई है। इतने सारे मैसेजेस आए ना, हमने और कोई वीडियो नहीं देखी, टोनी कक्कड़ पे बना दो, टोनी कक्कड़ पे ले लो टोनी कक्कड़। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू, साथ में लिरिक्स भी देखते हैं इस गाने के क्या है और साथ में गाना भी सुनते हैं। अगर तुमने गाना नहीं सुना तो सुनना भी, तुम मेरी वीडियो देख लो उसमें तुम्हें गाना पता लग जाएगा। गाना शुरू होता है कुछ यूं, राजा तेरे महल के पीछे पीछे पीछे, हाँ जी तेरे तेरे बगीचे नीचे नीचे क्यों कांटा लगा। क्या करता है बात बताओ, आप महल के पीछे गए क्यों और अगर चले भी गए थे तो बगीचे के नीचे क्यों? आपको पता मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, उसके तहत हर घर में शौचालय है आजकल, उठे जाके आख लो। नहीं मैडम को बगीचे नीचे जाना है। ऐसे ये चीज खत्म होती है, उसके बाद आगे लिरिक्स ये है, कांटा लगा उइमा 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 कांटा लगा आया 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 कांटा लगा आया आया। मेरे को देख के इतनी हंसी और इतनी शर्म आ रही है ना, पता नहीं कौन सा कॉम्प्लेन में वायग्रा डाल के तूने खाई है, तेरी सुई एक ही जगह बैठ जाती है। ठीक है ना कांटा लग गया ना तो सांस ले, जाके इंजेक्शन लगवा ले, दवाई हल्दी वाला दूध पी ले, सारे हिंदुस्तान को बताना जरूरी है कि कांटा लगा उई मा, उई मा, उई मा, आ थू। और गाना स्टार्ट होने से पहले लिखा था बिगेस्ट कोलैबोरेशन, हां बड़ी मियां खलीफा तेरे ना गाना बना रही आगे, और नेहा कक्कड़ के कॉस्ट्यूम इस गाने में तोए हुए। मैं कहता हूं इनको लग रहा होगा कि कॉस्ट्यूम और मेकअप ऐसा करके कार्डी बी लगेगी, लेकिन वो एंड में निब्बी लग रही थी। टोनी कक्कड़ जैसे अगर मैं गाना लिखने लग जाऊं, लिरिक्स मतलब लिखने लग जाऊं और गाना लग जाऊं ना, मेरा चैनल ज्यादा ग्रो कर देगा। चलो इसी पे कुछ पेश करता हूं। गाय को पंजाबी में बोलते हैं गा, गाय को पंजाबी में बोलते हैं गा, कांटा लगा उइमा उइमा उइमा। रुको जरा सबर करो। कौवे को पंजाबी में बोलते हैं का, कौवे को पंजाबी में बोलते हैं का, कांटा लगा उइमा उइमा उइमा। जाके चंगी तरह नहीं नहीं कर, चवनप्राश खा, कोई तरह दिमाग आगे जाए, कुछ ढंग के लिरिक्स लिखना स्टार्ट करे और ढंग के गाने दे, साला कांटा लगा उइमा उइमा उइमा। बस अड़ गई सुई, अब धीमे 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 करी जा, लो कर लो कर लो, बिगे 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 बिगे। हाँ तो जैसे गाने हैं बंदे की नींद ही आराम होएगी, कितो सो जावे, लो कर लो कर, पैरा भी खत्म, अब साथ में मैं बोली हूँ उइमा 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 और सारा गाना चला उइमा पे अड़ा पड़ा है। मेरे को किसी ने इंस्टाग्राम पर मीम भेजा और उस मीम में बकायदा उस बंदे ने पूरी रिसर्च करके पूरा गाना सुन के लिखा हुआ है कि कितनी बार आह आह हुआ, कितनी बार उइमा हुआ, कितनी बार आए हुआ। एक टोनी भैया पहले मेरे को ये बताओ तुम्हारा आहा आहा से कौन सा पुराना रिश्ता है, साला किसी भी गाने में तुम आहा आहा घुसा देते हो, तुमको किस प्रकार का ऑर्गेज्म चाहिए
खुल के ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर बताओ माई वाह हर गाने जो जुत्ती कितने मेरी जुत्ती लब और मैं जो इतने कांटे लगे कहां से रहे जाके एक माली ले आ। तो बेसिकली जो पहले गाना आया था ना कांटा लगा इन्होंने उनका रीमेक या मतलब लगा लो नया वर्जन इन्होंने बनाया है जो कि बिल्कुल ही आथू है पर किसी तरह लोगों ने बर्दाश्त कर लिया और जितने भी इस पर व्यूज आए हैं जितनी देर भी ये ट्रेंडिंग पर रहा है या अभी भी एक नंबर ट्रेंडिंग पे वो इसी की वजह से क्योंकि बीच में हनी सिंह है और लिटरली पूरे गाने में सिर्फ हनी सिंह का रैप ही ढंग का लगा बाकी तो साला उइमा और आ आ आ पे खत्म हो गया। अच्छा तुमने ये चीज कभी नोटिस किया टोनी कक्कड़ का ज्यादा से ज्यादा ढाई तीन मिनट का गाना होता है जिसमें से एक ही लाइन बार बार रिपीट करके बनता है या एक ही वर्ड को कम से कम पौने तीन चार लाख बार बोल के वो तीन मिनट का गाना बनता है। अभी भी तीन साढ़े तीन मिनट का गाना था जिसमें पहले नेहा जी आके बोले तेरे महल के पीछे बगीचे के नीचे उइमा उइमा उसके बाद ये आके बोला बगीचे नीचे नीचे बगीचे महल पीछे बगीचे नीचे महल उइमा तेरी बहन की कांटा लगा उइमा 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 अरे कौन भोंक रहा है ये बदतमीज कांटा लगा चांटा मारूं मतलब जो भी है समझ गए ना तीन इतने बड़े बड़े सिंगर से मिलके भी चार मिनट का गाना नहीं बना लाख दी लाख है। तुमने वो गाना तो सुना होगा ना मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है बिलीव करो टोनी कक्कड़ ने वो लिखा है। नहीं मैं नहीं मानता भाई इतनी अच्छी तेरी आवाज है इतना अच्छा अगर टैलेंट है अगर है तो वैसे गाने लिखना इधर साथ तीन मिनट में तेरे लिरिक्स भी कंप्लीट हो रहे और ऊपर से पुराने गाने के भी ला रहा है धीमे 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 कितना धीमे 0.02x की स्पीड से आ जाऊं और इसके बाद जैसे ही मैंने पूरा गाना सुना ये गाना खत्म हुआ उसके बाद मैंने गूगल पर जाके सर्च किया टोनी कक्कड़ कांटा लगा मीम इतने मीम्स मेरे को मिले ना मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ जरा देख के। तो सबसे पहला मीम मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ ट्रेंडिंग नंबर 1 ऑन यूट्यूब वर्ल्ड वाइड कांटा लगा रहने दो सर अब और नहीं सा आ जाएगा है बंद यार बात तो सही है थोड़ा सा तो सहलेंगे लेकिन अब बंद कर दे वाकई बंद कर दे। अगला मीम देखते हैं थैंक्स टू टोनी कक्कड़ माय ग्रैंडफादर वाज ऑन व्हीलचेयर फ्रॉम मेनी ईयर बट व्हेन ही लिसन टू दिस सॉन्ग ही स्टैंड अप जस्ट टू स्विच ऑन द टीवी बोल रही के बेटे बेटे मी आफ्टर लिस्टिंग बिगेस्ट कोलैबोरेशन सॉन्ग ऑफ हनी सिंह कांटा लगा ये तो टट्टी है दिस इज नॉट टट्टी दिस इज टट्टी अल्ट्रा प्रो मैक्स जिनको अभी भी लगता है टोनी कक्कड़ बहुत अच्छा लिरिसिस्ट है या बहुत अच्छे गाने गाता है कृपया करके 250 ग्राम ट्रेन के नीचे आ जाओ या मोटिन को उबाल के खा जाओ तो कुछ नहीं हो सकता वीडियो यहीं पे अपने को समाप्त करनी पड़ेगी। तुम भी बोलोगे क्या एक तो इतनी लेट वीडियो बनाई ऊपर से इतनी छोटी बनाई क्या बनाऊंगा अगले का गाना नहीं तीन मिनट में कम्प्लीट हो रहा मैं 10 मिनट की वीडियो कहां से बना दूं। अब एक ही चीज बार बार बोली जाऊंगा तुम लोगों को भी नहीं पसंद आएगा मेरे को भी नहीं अच्छा लगेगा। जिस दिन इस बंदे ने अच्छे लिरिक्स के साथ 4.5 मिनट का गाना बना दिया उस दिन मैं 10 मिनट से ऊपर वीडियो बनाऊंगा जाओ मेरा वादा रहा। तो आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना कमेंट करके बताना कैसी लगी मिलते बिल्कुल जरूर करेंगे बल्कि मैंने किया हुआ है यार देखो हम इस वीडियो के बारे में यही बोलेंगे अच्छा होस्ट किया बट सीन सारे हमने गाना नहीं सुना तो गाना सुनेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बताइए गाना क्या है उइमा 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 और बाकी ये बात तो सच है कि टोनी कक्कड़ के सॉन्ग दूसरे सॉन्ग से मिक्स होते हैं फिर इससे मिक्स होते हैं मतलब से धीमे 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 हाँ जी पीछे वाली सीट पे बगीचे के नीचे देखा सब मिक्स खिचड़ी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बंद करो बंद करो सब मिक्स हो रहा है लेकिन यार उनकी मर्जी यार उनकी भी देख बात तो ठीक है ना हमारी मर्जी हम रिएक्शन दें कुछ भी करें आपको क्या तो अब यार टोनी भैया की मर्जी है वो जो करते हैं हाँ सही बात है और उनकी मर्जी वो रोस्ट करे या ना करे। इसी के साथ आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ बाय बाय। ऐसा जो लाल बटन है ना उसको थोड़ा ग्रे ग्रे कर दो ठीक हो गया क्लिक करके बाय बाय। We'll be right back.